स्पेस में कौन बच सकता है? ठीक है, वहाँ इंसान बचा रह सकता है अगर उसके पास कोई बढ़िया स्पेस सूट हो तो। बोले तो स्पेस सूट स्पेस के वैक्यूम में काफी जरूरत वाली चीज होती है। इसके बिना आपको स्पेस शिप या चंद्रमा या मंगल पर मॉड्यूलर घर के अंदर ही रहना होगा। इस वक्त सिर्फ नासा के पास कई पुराने स्पेस सूट तैयार हैं जिन्हें स्पेस क्राफ्ट के बाहर जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। नासा के चंद्रमा पर जाने वाले आर्टिमिस मिशन की योजना नए सूट डिजाइन करवाने की है जिन्हें पुरुष और महिला दोनों पहन सकेंगे। उनके लिए उन्होंने 1/4 अरब डॉलर का बजट रखा है। ये नए सूट पुराने वाले से ज्यादा वजन वाले नहीं हैं और उनसे ज्यादा फैशनेबल हैं। लेकिन क्या दूसरे जीव स्पेस में जिंदा रह सकते हैं? हमें 3 जानवरों के नाम पता है जिन्हें स्पेस में भेजा गया और वे घर सुरक्षित लौट आए। क्या ये हमारी कसौटी पर खरे उतरते हैं? 2 कुत्ते बेलका और स्ट्रेलका ने 1960 में एक रशियन स्पेसक्राफ्ट में एक दिन बिताया था और वापस लौटने पर मीडिया स्टार बन गए। यूएसए ने हैम नाम वाले एक चिंप को स्पेस में 16 मिनट के सफर पर भेजा। स्पेस ओशन के लेवल से 62 मील ऊपर शुरू हो जाता है और एक रॉकेट को वहां तक पहुंचने में चंद मिनट ही लगते हैं। हैम ने एक स्पेस सूट पहन रखा था और उसने अपने बटन दबाने वाले सभी टास्क बड़ी अच्छी तरह से पूरे किए। उसे अलेमोगार्डो न्यू मैक्सिको के इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया। लेकिन टार्डीग्रेड्स असल में स्पेस में जिंदा रह सकते हैं। टार्डीग्रेड्स या जिन्हें अक्सर वाटर बेयर्स कहा जाता है भूरे रंग के होते हैं और छोटे से खाकी रंग के भालू जैसे दिखते हैं। साथ ही ये पैरों वाला एक सबसे छोटा जानवर भी है। उसके 8 पैर होते हैं। टार्डीग्रेड्स की ज्यादातर स्पीशीज की आंखें नहीं होती लेकिन कुछ की होती हैं। वाटर बेयर्स को एक बढ़िया मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना संभव है क्योंकि औसतन उनका साइज लगभग 0.5 मिलीमीटर होता है। मॉस पर थोड़ा पानी छिड़कें और वे बाहर निकल आते हैं। वे हर सेकंड एक बॉडी लेंथ तक चल सकते हैं और 2 बॉडी लेंथ प्रति सेकंड तक दौड़ सकते हैं। वाटर बेयर्स के अंडों को देखना काफी आसान है क्योंकि वे चमकदार सफेद होते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने साथ वाटर बेयर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर गई और उन्हें 10 दिन तक बाहर ही छोड़ दिया। वे बच गए। वे अब भी बिना हवा पानी एक पूरे वैक्यूम घातक सोलर रेडिएशन बेतहाशा ठंड और गर्मी में जिंदा बचे रह सकते हैं। ये कुछ मजेदार नहीं लगता? क्या लगता है बेहद खराब कंडीशन में वाटर बेयर्स जिंदा रहने के लिए अपने एक्सोस्केलेटन या टन पर निर्भर करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में ये स्केलेटन 87,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच से ज्यादा का बेतहाशा प्रेशर झेल सकते हैं। उनके पास एक बेहतरीन स्पेस सूट है। वाटर बेयर्स 30 साल तक बर्फ में जमने के बाद भी जिंदा रहते हैं और जब उन्हें गर्माया गया तो वाटर बेयर्स वापस जिंदा हो गए और तब भी बच्चे पैदा करने लायक थे। अब जबकि हम स्पेस में लाइफ की खोज कर रहे हैं, हम मार्स की पड़ताल करते हैं, इस तरह की एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म्स को समझने में आसानी हो जाती है। अगर वाटर बेयर्स हर तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में सच में जिंदा रह सकते हैं तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि स्पेस में हर कहीं लाइफ है? एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रहते हैं जैसी कंडीशन दूसरे प्लैनेट्स पर मौजूद हैं। रोमानिया में मोबाइल गुफा एक ऐसी जगह है जो एक दूसरे प्लैनेट की तरह हो सकती है। धरती के सरफेस पर मौजूद धरती के सभी जीव कार्बन बेस्ड हैं। इसका मतलब है कार्बन एटम्स एक यूनिवर्सल लेगो ब्लॉक की तरह काम करते हैं जिनसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स कनेक्ट रहते हैं ताकि वे मॉलिक्यूल्स बना सकें जिससे जिंदा जीवों के सेल्स बनते हैं। लेकिन मोबाइल की गुफा में नहीं। मोबाइल की गुफा कम से कम 25 लाख साल पहले सील हो गई थी। चूना पत्थर से रिसकर बहने वाले पानी ने गुफा में एक झील बना दी जिसमें जहरीले और कोरोसिव हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का मिक्स था। इस टॉक्सिक सूप में कौन रह सकता है? सल्फर बेस्ड लाइफ फॉर्म्स। मोबाइल की गुफा में पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बिना लाइट या फोटोसिंथेसिस के मौजूद है। फूड चेन कीमोसिंथेसिस से बनी है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर बेस्ड केमिकल्स को खाता है। मोबाइल की गुफा के बेहद ही खराब एनवायरनमेंट में जिंदा सल्फर बेस्ड क्रिएचर्स की 3 स्पीशीज पाई गई है, श्रिम्प, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड्स, स्नेल वगैरह वगैरह। मोबाइल गुफा एक एलियन दुनिया है जहाँ काफी गहराई में काफी सारे
सल्फर बेस्ड जिंदा जीव हैं। अगर धरती पर मोबाइल गुफा में इस तरह के जीव मौजूद हो सकते हैं तो हम बाहर स्पेस में और क्या पाने की उम्मीद कर सकते हैं। बैक्टीरिया आउटर स्पेस में जिंदा रह सकता है और फंगस भी। बैक्टीरिया फूड चेन का बेस बनाते हैं और ये साबित हो चुका है कि बैक्टीरिया आउटर स्पेस में जिंदा रह सकते हैं। 1980 में मीर स्पेस स्टेशन पर कॉस्मोनॉट्स ने शिकायत की कि स्टेशन की खिड़की के बाहर की तरफ कुछ उग रहा है, जिससे उन्हें धरती को पूरी तरह देखने में दिक्कत हो रही है। जांच करने पर पता चला कि ये बैक्टीरिया और फंगस या फंगाई है। क्वार्ट्ज से बनी खिड़कियां उस चीज से खराब और कमजोर हो रही थीं जो सरफेस पर उग रही थी। पाया गया कि फंगस कुछ केबल्स के कॉपर को भी खा रही थी। मीर के बाहर की तरफ कुछ जगहों पर मोल्ड भी उग रहे थे। स्पेस स्टेशन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ था। वैज्ञानिकों ने इसे काफी गंभीरता से लिया और इसकी पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा देखा गया कि स्पेस जैसे एक स्टेराइल एनवायरमेंट में जब कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता तो बैक्टीरिया अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर निकल आता है। कॉस्मिक रेडिएशन उन्हें मैच्योर होने और स्पेस के एनवायरमेंट में ढलने में मदद करता है। बैक्टीरिया धरती के मुकाबले स्पेस में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। वर्षों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने चट्टानों पर कई तरह के बैक्टीरिया की कोटिंग की और उन्हें स्पेस स्टेशन के बाहर रख दिया। कुछ बैक्टीरिया स्पेस के कठोर माहौल में जिंदा नहीं बच सके, लेकिन उनमें से कई बचने में कामयाब हुए। एक स्ट्रेन का नाम OU-20 था। वो 1.5 साल तक ISS के बाहर जिंदा बचा रहा। जापान ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट किया था। जापान के कीबो मॉड्यूल के बाहर कीबो की रोबोटिक आर्म ने बैक्टीरिया डीनोकोकस रेडियोड्यूरांस या छोटा करके बोले तो डी रेडियोड्यूरांस वाले 3 पैनल रखे। ये 3 साल तक बाहर स्पेस में जिंदा रहे। जापानी एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिकों ने ये कैलकुलेशन की कि बैक्टीरिया स्पेस में 8 साल की लंबी अवधि तक जिंदा रह सकता है। ये मंगल तक 4 बार जाने और लौटने जितने सफर के बराबर है। इसने कई रोचक सवाल भी खड़े किए। क्या धरती पर जीवन मंगल से एक स्पेस की चट्टान से आया? और एक साफ सवाल, क्या एक स्पेस की चट्टान में धरती पर कोई संक्रमण पैदा करने वाला बैक्टीरिया आ सकता है? जिन चीजों की साइंस फिक्शन बुक्स और मूवीज में चर्चा होती थी, अचानक अब वैज्ञानिक जांच का विषय बन गई है। और उसके बाद आया मंगल का मीटियोर। मीटियोर पाने के लिए सबसे बेहतर जगह अंटार्कटिका है, क्योंकि ये बर्फ से ढकी है। अंटार्कटिका के एलन हिल्स रीजन की बर्फ आसपास के पहाड़ों के ऊंचाई की वजह से उसी जगह पर बंद है। यहाँ की बर्फ सबसे साफ है। इसका मतलब है कि बर्फ उड़ती है, कभी लिक्विड नहीं बनती, लेकिन सीधे भाप बन जाती है। क्योंकि एलन हिल्स रीजन की बर्फ काफी हाई क्वालिटी की है, इसमें कई सैकड़ों या हजारों वर्षों में बर्फ पर गिरने वाले सभी मीटियोर भी मौजूद हो सकते हैं। मीटियोर को खोजने वालों ने वहां पर स्नो मोबाइल दौड़ाए भी हैं और उन्हें चिमटों से उठाया है और उन्हें कभी छुआ नहीं ताकि उनमें इंसानी बैक्टीरिया की मिलावट ना हो जाए। उन्होंने मीटियोर को बैग में डाला, एक नंबर दिया, लोकेशन रिकॉर्ड की और मीटियोर से जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारी भी लिख दी। इस तरह मंगल का मीटियोर यानी मीटियोर ALH 84001 मिला था। क्योंकि धरती पर रोजाना लगभग 17 मीटियोर टकराते हैं तो हजारों सालों के नंबर जोड़ लीजिए। एक या दूसरे टाइम पर कोई मीटियोर लगभग हर कहीं टकराता रहता है। वेदर्सफील्ड कनेक्टिकट में उसी स्ट्रीट पर 11 साल के अंतर में 2 घरों की छतों को 1 पाउंड के मीटियोर ने पंक्चर कर दिया। लेकिन काफी कम ही मीटियोर मंगल से आए हैं। अब तक रेड प्लैनेट से 126 मीटियोर के आने की पहचान हुई है। ALH 84001 मंगल से आया था। वैज्ञानिकों को ये पता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स मंगल पर उतर चुका है और उन्होंने वहाँ की चट्टानों और वहाँ के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के नमूने लिए हैं। ALH 84001 में ठीक वैसी ही गैसेस हैं जो मंगल के एटमॉस्फेयर में है और वही केमिकल कंपोजिशन है जो चट्टानों में है। लेकिन मीटियोर में कुछ और भी शामिल है, एक फॉसिलाइज्ड लाइफ फॉर्म। इसको लेकर काफी डिबेट हो रही है कि ALH 84001 के अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट
एक फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया फॉर्म है या नहीं, या बस एक केमिकल डिपॉजिट है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई स्टडी बताती है कि बैक्टीरिया स्पेस में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, इसलिए ये पूरी तरह से संभव है कि कुछ बैक्टीरिया मीटियोर में मंगल से धरती तक का सफर तय कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के मंगल को एक्सप्लोर करने वाले परसीवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल की चट्टान के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए हैं। ये ऑर्गेनिक्स कार्बन और हाइड्रोजन है। जब तक नमूने धरती पर नहीं पहुंचते, यानी 2030 के आसपास तक, तब तक ये पता नहीं लग सकेगा कि क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिंदा ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए या बस केमिकल रिएक्शन ही है। मंगल पर जीवन की खोज जारी है, लेकिन मंगल सोलर सिस्टम की अकेली जगह नहीं है जहां पर हो सकती है। जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा भी इसका अच्छा दावेदार है। मीलों मोटी पानी की बर्फ से पूरी तरह ढके यूरोपा में उसके बर्फ वाले क्रस्ट के नीचे नमकीन पानी का ओशन हो सकता है। बर्फ एक इंसुलेशन ब्लैंकेट का काम करती है, जिसके साथ यूरोपा के कोर में इंटरनल थर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, जिसका मतलब है यूरोपा के ओशन का पानी गर्म भी हो सकता है। द यूरोपा क्लिपर एक्सप्रेस मिशन की योजना यूरोपा पर जीने लायक कंडीशंस को कंफर्म करना है। 9 ऑब्जर्वेशनल इक्विपमेंट के साथ द यूरोपा क्लिपर यूरोपा के ऊपर चक्कर काटने वाली हर चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, जिसमें नीचे मौजूद ओशन से सरफेस की बर्फ से निकलने वाले रहस्यमयी लाल रंग के मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन भी शामिल है। ये लाल रंग का मटेरियल क्या हो सकता है? क्या ये किसी तरह का खास केमिकल मिक्स है, या ये व्हेल द्वारा खाई जाने वाली छोटी क्रिल है, श्रिम्प, मछली, मोबाइल गुफा जैसी कोई लाइफ फॉर्म है, या सुनहरा पहलू के स्टोरी बताने वाले शख्स का बचा खुचा शरीर है? देखते रहिए